अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो आपके सामने मैं लेके हाजिर हुई हूँ। वो आपके सामने है रशियन सैलड की। इसको क्रीमी चाट भी कहते हैं और रशियन सैलड भी कहा जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। मैंने एक बड़े साइज़ का जो है वो मैंगो लिया है और उसके साथ मैंने 5 से 6 अदद जो हैं वो केले ले लिए हैं। और एक बिग बाउल जो होती है वो गर्मे की ली है मैंने, बड़ी बाउल होती है जो वो गर्मा ली है। उसके साथ अनार भी रखा हुआ है, लेकिन अनार जो है ना अगर कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ नहीं उनके लिए। और सेब जो मैंने लिए हैं वो 2 से 3 अदद जो हैं वो सेब लिए हैं मैंने। उसके साथ मैंने किशमिश ली है, वो भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। और शुगर जो चीनी है वो मैंने 3 से 4 चम्मच ली है, नॉर्मल इसे शुगर कहते हैं वो वाली होगी। और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। एक बाउल ले लिए, बाउल के अंदर हम इसके अंदर जो करीम है, ये करीम बाज़ार से इजीली मिल जाती है, इसको ऐड करेंगे। फुल पैक करीम हम ऐड कर देंगे। ये इंग्रेडिएंट्स और जो चाट बन रही है ये 8 पर्सन के लिए है, 8 लोगों के लिए बनेगी ये चाट। उसमें इस तरह आप इतने इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। इस ये उसके साथ हमने मायोनीज़ ऐड की है। फुल पैक जो था वो हमने करीम का ऐड किया था, मायोनीज़ हमने 3 से 4 चम्मच जो अंदर मायोनीज़ ऐड की है वो मज़ीद क्रीमी करने के लिए। इसको बहुत अच्छे से आपने बीट करना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे वो थिक हो जाएगी। और हो सके तो इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए भी रख दें। और उसके साथ ही अब हमने इसके अंदर 3 से 4 अदद जो है वो चीनी डाल देनी है, बड़ी चम्मच। और अगर कुछ लोग तेज़ चीनी पसंद करते हैं तो वो उसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल इसमें शुगर थी, उसको भी बहुत, ये वैसे तो ये पीसी हुई हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर पीसी हुई नहीं है तो आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे तो वो भी ये भी स्टीक हो जाएगी। मेरे पास पीसी हुई मौजूद नहीं थी इसलिए मैंने जो नॉर्मल शुगर होती है वो ऐड की थी, और लेकिन उसको बहुत अच्छे से बीट कर लिया था हमने। अच्छे से मिक्स कर लेना उसको। ये हम आपके सामने मिक्स कर रही हूँ मैं, ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके ठंडी होगी तो इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसके साथ ही हमने जो बाकी चीज़ें हैं वो भी ऐड करनी है। और बहुत मज़े की चाट बनी थी ये। इसमें हमने ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड करनी है, ये भी तकरीबन हाफ स्पून थी, हाफ स्पून है हाँ जी। और इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, ये नॉर्मल मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। बहुत मुनासिब जिस जो थी वो चीज़ें इसमें, हाफ स्पून जो है छोटी चम्मच होती है जो, वो हमने काली मिर्च की ऐड की है। अब ये करीम थी जो, वो तो हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद हम जो फ्रूट्स हैं इनको डालेंगे एक बाउल में डाल के साथ में क्रीम मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने आम जो है वो ऐड कर दिए, आप साथ ही जो सेब थे वो भी डाल दिए। इनको आप इससे छोटा भी कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अब केले और गरमा ये सारा कुछ मिक्स कर देंगे, अंदर ऐड कर देंगे। और बाउल थोड़ा छोटा था लेकिन आप इसके अपनी जो है चीज़ों के हिसाब से बड़ा भी ले सकते हैं ये बाउल। इसमें अब हम इस बाउल में क्रीम ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करें। ये साथ हम क्रीम ऐड कर रहे हैं, ये हम क्रीम ऐड करने के साथ साथ इसे मिक्स करेंगे। देखिए बहुत मज़े की चाट बनी है ये, और आप ट्राई करेंगे देखिएगा मज़ा आएगा। ये साथ हमने किशमिश ऐड कर दी है, या आप हसबी ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मैंने 12 से 15 इसकी ली थी, लेकिन यह है कि जितनी आपको पसंद है, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करेंगे कुछ कम, उस हिसाब से आप इसे ऐड कर सकते हैं। ये आलमोस्ट हमारी चाट जो है डन हो गई है। अब हम इसके ऊपर ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है वो डालेंगे, वो भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आप कम लेना पसंद करते हैं तो वो हमने अंदर डाली थी वही काफ़ी है, लेकिन इसकी ये डाली हमने थोड़ी सी काली मिर्च। और अनार ऐड नहीं किया है, उसके अलावा आप इसमें जो फल मौजूद हों वो डाल सकते हैं जो हमारे पास इजीली अवेलेबल थे। सिंपल हमने रेसिपी बनाई है जो आसानी से और सादा और कम आपके खर्चे में बने। इसे अनार कुछ लोग पसंद नहीं करते इसलिए अंदर ऐड नहीं किए थे, लेकिन थोड़े से ऊपर डाले थे। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा क्वान्टिटी चीज़ों की कर सकते हैं।
और अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।